भारतीय क्रिकेट इतिहास में बल्लेबाज और गेंदबाज तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बढ़िया ऑलराउंडर कभी कभार ही देखने को मिलता है। किसी भी क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की काफी ज्यादा अहमियत होती है। वैसे तो इंडियन क्रिकेट में कपिल देव जैसा कोई दूसरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी अचानक से इंडियन क्रिकेट में आकर छा गया था जिसे कई लोगों ने भारत का एक बड़ा ऑलराउंडर कहना भी शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं दाएं हाथ के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। पूरी दुनिया ने पहली बार हार्दिक का आईपीएल में देखा था, जहां इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज से सभी को प्रभावित किया था। इसके बाद हार्दिक की टीम में भी एंट्री हुई, जिसके बाद मैनेजमेंट ने उन्हें एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में ग्रूम भी किया। लेकिन अपने इंटरनेशनल करियर में 7 सालों के सफर में ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त टीम इंडिया का मैच विनर रहा ये खिलाड़ी आज भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे अपने करियर के शुरुआती दिनों में अर्श पर रहे हार्दिक पांड्या के सितारे इतने गर्दिश में आ गए कि अब उनके आगे के करियर पर भी सवालिया निशान बन गया है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी भारतीय क्रिकेट में एक मैच विनर माना जाता था, आज लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में भी टीम में शामिल नहीं है। दरअसल ये सफर शुरू हुआ साल 2015 में, जब पूरी दुनिया ने पहली बार हार्दिक का जलवा आईपीएल में देखा था। तब 21 साल के युवा हार्दिक पांड्या आईपीएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए पहली बार खेलने उतरे और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ एक मुकाबले में 8 गेंदों पर 3 छक्के समेत 21 रन ठोक एक ओवर रहते ही अपनी टीम को जीत दिला दी। बड़ौदा के इस विस्फोटक ऑलराउंडर ने उस मुकाबले में 3 कैच लेकर फील्ड में भी सभी को प्रभावित कर दिया था और अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से हार्दिक अचानक से चर्चा का विषय बन गए थे। अपने पहले आईपीएल सीजन में ही उन्हें रोहित शर्मा और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से तारीफें मिली। धीरे धीरे हार्दिक की पावर हिटिंग के चर्चे भारतीय क्रिकेट में चारों तरफ होने लगे और इसके बाद हार्दिक ने 1 साल के अंदर ही भारतीय टीम में जगह बना ली। एमएस धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हार्दिक पांड्या भारत के लिए T20 मुकाबला खेलने उतरे। हालांकि बल्ले से उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन गेंदबाजी में महंगे साबित होने के बावजूद हार्दिक 2 विकेट लेने में कामयाब हो गए। यहां से कुछ ही समय में हार्दिक भारत के लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के अहम खिलाड़ी बन गए। हार्दिक पांड्या ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था तब पहले मैच से ही उनके अंदर एक मैच विनर की क्वालिटी दिखाई देती थी। इसके बाद पांड्या ने अपने करियर में कई मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मुकाबले भी जिताए। एक समय ऐसा था जब हार्दिक के रहते टीम को 5वें गेंदबाज की कमी महसूस नहीं होती थी। टीम इंडिया सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ भी उतरने का रिस्क ले लेती थी। उनके टीम में होने से भारतीय टीम को 6 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ उतरने का फायदा मिलता था और उनकी बैटिंग के अलावा 10 ओवर की गेंदबाजी भारतीय टीम को एक संतुलन प्रदान करती थी। लेकिन फिर आया साल 2018 और यहीं से हार्दिक के करियर में चीजें बदलनी शुरू हो गई। 2018 में हार्दिक पांड्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकाबले में बॉलिंग करते वक्त फॉलो थ्रू में गिर गए थे और तब उन्हें स्टेडियम से बाहर ले जाने के लिए भी स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा था, जिसके बाद ये पता चला कि शोल्डर इंजरी के कारण हार्दिक अभी कुछ समय के लिए भारतीय टीम से बाहर रहेंगे। किसी तरह इंजरी से रिकवर होकर हार्दिक भारतीय टीम में जगह तो बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं दिखती। धीरे धीरे हार्दिक का परफॉर्मेंस गिरता चला गया। 1 साल बाद फिर से हार्दिक को इंजरी हुई। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक को पीठ की परेशानी से जूझना पड़ा। हालांकि तब हार्दिक वर्ल्ड कप तो खेल गए थे, लेकिन उनकी फिटनेस इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाजी न करने की सलाह दी गई, जिसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करना ही बंद कर दिया। हालांकि कई मौकों पर टीम ने हार्दिक को एक बल्लेबाज के तौर पर भी बैक किया और अपने साथ बनाए रखा, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट से सबसे पहले हार्दिक का पत्ता कट गया और तभी सभी लोगों को ये अंदेशा हो गया था कि बिना गेंदबाजी कराए हार्दिक पांड्या ज्यादा दिन तक भारतीय टीम में नहीं बने रह पाएंगे। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म और फिटनेस के चलते हार्दिक को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टरों की खूब खिंचाई हुई, जिसके बाद से ही जैसे हार्दिक पांड्या को कभी खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हार्दिक की जगह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके वेंकटेश अय्यर को बतौर ऑलराउंडर भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। हार्दिक ने खुद अपनी फिटनेस दोबारा हासिल करने के लिए घरेलू क्रिकेट न खेलने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अब वो एक ऑलराउंडर के रूप में ही टीम में वापसी करना चाहते हैं, जिसके बाद सभी को उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज सीरीज के लिए सिलेक्टर्स उन्हें टीम में शामिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना मैच प्रैक्टिस और फिटनेस साबित किए हार्दिक पांड्या को सिलेक्टर्स ने इस वक्त भारतीय टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया। हालांकि हार्दिक के लिए आईपीएल 2022 टीम में वापसी के रास्ते खोल सकता है, जहां हार्दिक पांड्या नई टीम अहमदाबाद लॉयंस के कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने प्रदर्शन से वापस से टीम इंडिया में एंट्री करना चाहेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल के जरिए अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करके हार्दिक पांड्या वापस से टीम इंडिया में जगह बना पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आगे जो भी हो, फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या के करियर पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है,
क्या हार्दिक पांड्या वापस से टीम इंडिया में जगह बना पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।